चौधरी साहब, कानपुर के एक छोटे से गांव से निकलकर लड़की बहुजन समाज से बिग बॉस जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है, कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बड़े गौरव की बात, बड़े गर्व की बात है कि समाज की एक बेटी जो बहुत ही पिछले दिनों में जिसने काफ़ी समस्याओं का सामना करना उसको पड़ा, और शिवानी जी जो हमारे समाज की होनहार बेटी है और आज अपनी प्रतिभा के आधार पर वो बिग बॉस जैसे इंटरनेशनल कहूँगा मैं तो एक फोरम पर अगर मान लिया उसको आज बुलाया गया है उसकी पॉपुलैरिटी के चलते, तो ये हम सब के लिए बहुत बड़े खुशी की बात है, बहुत बड़े हमारे लिए गौरव की बात है और मैं उस बिटिया को समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। सर, एक गांव की पृष्ठभूमि से जहाँ वो छप्पर में रहती थी, उसके बाद उसने सोशल मीडिया पर अपना काम शुरू किया और आज लगभग 40 लाख उसके फॉलोवर है इंस्टाग्राम पर और लगभग 25 से 30 लाख के करीब उसके यूट्यूब पर भी है। जब ऐसे गांव से निकल के अनुसूचित जाति की एक बेटी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है तो वहीं कहीं ना कहीं कुछ स्वर्ण मानसिकता रखने वाले जो लोग हैं उनके पेट में दर्द हो जाता है। शिवानी कुमारी को पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, उसको गांव की गवट्टी, गंवार और दलित कार्ड खेलने वाली इस तरीके के शब्दों से नवाजा जा रहा है, उस पर क्या कहना है? ये भारत की क्योंकि आप पिछले कई दशकों से इस तरह के ये भारत की जातिगत जो व्यवस्था है ये उसका दंश है और ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत की प्रतिभाएं चाहे वो किसी भी जाति से हों, किसी भी धर्म से हों, अनुसूचित जाति से हों, जनजाति से हों, ओबीसी से हों, माइनॉरिटी से हों या किसी गरीब परिवार से हों, जब जब भी कोई ऐसा व्यक्ति गरीबी की जिसने ज़िंदगी जी हो, अभाव की ज़िंदगी जी हो और वो कभी ऐसे सम्मानजनक स्थिति में अगर पहुँचता है तो इस देश की जातिगत व्यवस्था का ये दंश मैंने अनेकों बार देखा है कि ऐसी चीज़ें बहुत सामान्य होती हैं और इस देश में तो ये आम बात है। लेकिन मैं यही कहूँगा उस जांबाज बेटी से, बहादुर बेटी से, उसकी परवाह ना करें। जो लोग इन हरकतों को कर रहे हैं वो एक दिन थक कर बैठ जाएंगे और वो अपने प्रगति के रास्ते पर आगे लगातार चलती रहे और हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उसको बधाई भी देते हैं। तो सर, वर्तमान में देश में जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है वो है पार्लियामेंट से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का स्थानांतरण करना, उसको कैसे देखते हैं? कि मैं तो भारत के शासकों से जो भी ये दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो प्रतिमा संसद परिसर में लगी हुई थी और उस पर लंबे समय से बाबा साहब अम्बेडकर, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हर वर्ष 6 दिसंबर को उनके पुण्यतिथि पर और 14 अप्रैल उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर पार्लियामेंट में जाकर के अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते रहे हैं और जिस भी आदेश के तहत ये मैं कहूँगा कि एक बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं उनको आहत करने की जो ये एक कुप्रयास किया गया है, देश के माहौल को ख़राब करने की जो कोशिश की गई है, इसकी मैं घोर बाबा साहब अम्बेडकर मिशन का एक सिपाही होने के नाते से घोर निंदा करता हूँ और भारत की सरकार से मैं मांग करता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो ये स्टैचू है इसको सम्मानजनक तरीके से अविलंब संसद भवन के परिसर में स्थापित करके ये एक संदेश सरकार जल्दी से जल्दी दे, अन्यथा मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में अगर इसमें देर होती है तो ये किसी भी विवाद को जन्म दे सकता है, किसी भी असंतोष को जन्म दे सकता है, ये आने वाले दिनों में देश के सामने एक बड़ी समस्या के रूप में उभर का सकता है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी पूरे विश्व में इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि भारत की संसद में लगी हुई परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्टैचू को वहाँ से उखाड़ दिया जाए और उखाड़ करके उसे, मतलब मैं कहूँगा कि अभी तो उसका भविष्य क्या होगा हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब हम विदेश में जाते हैं, अनेकों विश्वविद्यालय में जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू को सभी विश्वविद्यालयों में बड़े सम्मान के साथ में विश्व में लगाया जाता है और उस पर सिंबल ऑफ नॉलेज लिखा जाता है। हम अभी तक ये देश के अंदर जगह जगह भारत में जो सामाजिक जिन लोगों की संकुचित मानसिकता है उन लोगों को देखते थे कि वो डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू को तोड़ देते थे, कभी हाथ तोड़ देते थे, कभी गर्दन तोड़ देते थे, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का ये विषय है और बड़ी विडम्बना देखिएगा कि भारत की राजधानी दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस यानी के साथ जो संसद भवन बना हुआ है कनॉट प्लेस से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर,
उसमें जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो स्टैचू तत्कालीन सरकार ने बड़े सम्मान के साथ लगाई, आज उसको वर्तमान सरकार ने या जो भी प्रशासन के अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार हैं जिन्होंने उसको शिफ्ट किया है, मैं उनके इस कदम की घोर निंदा करता हूँ और इस समाज का एक सिपाही होने के नाते आपके टीवी चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि अविलंब सम्मान के साथ में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की स्टैचू को यथावत संसद भवन के परिसर में स्थापित करके सरकार इसमें एक पहल करे। सरकार जो इससे अनरेस्ट पूरे देश और विदेश में जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयोग में फैल रहा है उसको तुरंत नियंत्रण करने की कोशिश करे, अन्यथा मेरा ऐसा मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी किसी भी कीमत पर बाबा साहब अम्बेडकर की जो ये संसद भवन के परिसर में स्थापित स्टैचू है इसके प्रतिस्थापन को या इसके रिमूवल को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। दलित समाज में खासा रोष है, उन्हें एक बार 2 अप्रैल वाली स्थिति बनती नजर आ रही है जिस तरीके से सोशल मीडिया पर खबरों का प्रसारण चल रहा है। देखिए 2 अप्रैल भी अगर देखा जाए तो इस देश के प्रशासन की ही मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जातिगत मानसिकता रखने वाले एक जज के द्वारा SC ST एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ आदेश देना, उस आदेश के खिलाफ पूरे देश के अंदर बिना किसी नेता के बिना किसी संगठन के नियंत्रण के आम आदमी द्वारा पूरे देश के अंदर एक भारत बंद 2 अप्रैल को पूरे देश में एक आंदोलन करना और उसमें हमारे मतलब बहुत सारे बच्चों की उसमें कुर्बानी होना, उनका जीवन तक चले जाना और ये सारी चीज़ें क्या इस देश के सिस्टम के द्वारा 2 अप्रैल 2018 को इस देश की व्यवस्था को ख़राब करने की कोशिश की गई थी। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि ये जो संसद भवन परिसर में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्टैचू को जिन लोगों ने वहाँ से हटाने का ये कुप्रयास किया है निश्चित रूप से ये उसी दिशा में 2 अप्रैल 2018 की पुनरावृत्ति की तरफ देश को ले जाने की एक कोशिश है। मैं मांग करूँगा भारत के प्रधानमंत्री से कि तुरंत इस विषय में त्वरित कार्रवाई करें, दोषी अधिकारी जिन इसके लिए जिम्मेदार हैं उन लोगों के खिलाफ आवश्यक जो भी कानून के दायरे में कार्रवाई बनती है कार्रवाई करें और अविलंब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्टैचू को संसद भवन के परिसर में सह सम्मान स्थापित करके पूरे देश के और विदेश में रह रहे अम्बेडकरवादियों को एक संदेश देने का अविलंब उनको ये कोशिश करनी चाहिए, मेरी ऐसी प्रधानमंत्री से मांग है। 26 जून को दलितों ने जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया इसके विरोध में। देखिए आज भी मेरी जानकारी में आया है कि आज भी हमारे जो जो हमारे अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट्स संगठन है उसने प्रदर्शन किया है, कल भी हमारे बहुत सारे सामाजिक संगठन मिलकर के 26 तारीख को इस पे जंतर मंतर पर पार्लियामेंट स्ट्रीट पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा माहौल क्यों बनाते हैं, ऐसे कार्य क्यों करते हैं, क्यों संविधान के साथ छेड़छाड़ का मैसेज जाता है। प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रीय सलाहकार प्रधानमंत्री जी के जो सलाहकार हैं जिनको द्वारकर से मैंने सुना है कि उनको फिर द्वारकर से फिर प्रधानमंत्री जी ने अपना सलाहकार मंडल में ले लिया है, ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री जी के सलाहकार मंडल में हों और वो अगर ये बयान देते हैं कि संविधान हम बदलने जा रहे हैं तो उन लोगों को फिर द्वारकर से अगर मान लिया जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें एक संदेह पैदा होता है। और ऐसे जो लोग जो इस दिशा में इस देश के माहौल को ख़राब करने का प्रयास करते हैं, मैं ये निवेदन करूंगा भारत की सरकार से कि ऐसे तत्वों से सरकार को सावधानी बरतनी चाहिए और ऐसे तत्वों के खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में प्रदत्त प्रावधानों के तहत ऐसे तत्वों के खिलाफ मैं कहूंगा कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ जो देश में अशांति फैलाने के लिए ऐसे कार्य करते हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके एक सही संदेश भारत के अम्बेडकरवादियों को देना चाहिए। ऐसे में अम्बेडकरवादी क्या करें? अम्बेडकरवादी तो अम्बेडकरवादी हैं जी, वो किसी कीमत पर इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। अम्बेडकरवादी अम्बेडकरवादी है, बाबा साहब की मूर्ति के प्रतिस्थापन करने के निर्णय को किसी भी कीमत पर कोई भी अम्बेडकरवादी पूरे देश और दुनिया में जो बाबा साहब के अनुयायी हैं कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। ये मुद्दा जितना जल्दी संभल जाएगा उतना ही ये बहुत अच्छा रहेगा। ये जितना इसमें विलम्ब होगा ये आंदोलन बढ़ता रहेगा, आंदोलन तेज होगा, अम्बेडकरवादी को मजबूर किया जाएगा कि वो सड़कों पर आएं और अपने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में जो कुछ भी भारत के संविधान में प्रदत्त प्रावधान हैं उनके तहत वो बाबा साहब की मूर्ति को बाबा साहब के स्टैचू को उसके जो पुनः स्थापन को यानी कि उसको द्वारकर से लगाने के लिए जो भी प्रयत्न हो सकते हैं जो भी एफर्ट्स भारत के संविधान में जो प्रावधान उनके तहत
अम्बेडकरवादी कर सकते हैं, निश्चित रूप से वो करेंगे। और मैं ये कहूँगा कि कोई भी अम्बेडकरवादी सरकार के इस निर्णय के साथ नहीं है, हर अम्बेडकरवादी को इस निर्णय से कष्ट हुआ है और सरकार को इस भावना को समझते हुए अविलंब बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति है, जो स्टैचू है, उसको यथावत वहीं स्थापित करके इस विवाद को तुरंत समाप्त करने की दिशा में पहल करनी चाहिए।